A warm welcome to all of you over a platform that is JK Civil Service. Myself, Advocate Samir Loding, और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा. हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर. सो आई होप कि मैं जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाऊँगा आप उसको अच्छे से एप्रीहेंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. अब इस टॉपिक में मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को अगर हम कहें तो कंक्लूड, इस टॉपिक को जो कंक्लूड किया है मैंने वो कंक्लूड किया है फोर स्टेप्स में. मैं इनको फोर स्टेप्स कहूँगा. जो पहला हमारा कदम है, पहला जो स्टेप है वो है रिवॉल्यूटी 57, दूसरा है इंडियन नेशनलिज्म, उसके बाद इंडियन नेशनल फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन गांधीयन इरा. इन चार टॉपिक्स को, इन चार स्टेप्स को अगर हम जो है कंसोलिडेट करें या कंबाइन करें तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे चार कदम है जिससे हमें ये अचीव हुआ ये वाला टॉपिक. क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो टॉपिक को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और टॉपिक के बाद जो उसका सारा जो कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारा डिटेल में जो लिखा जाता है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, मगर अगर वो टॉपिक को पहले अच्छे से इंटरप्रेट करे, उसको अंडरस्टैंड करे, तो उससे क्या होगा, उनका कुछ नहीं एटलीस्ट 50% जो है उनको आसानी हो जाएगी, जो फर्दर आगे जो डिटेल्ड जो टॉपिक से रिलेटेड जो होगा उनको हेल्प करेगा उसको अंडरस्टैंड करने में. मैंने तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस टॉपिक को जो है वो थोड़ा ब्रेक कर दिया, मैंने इसको तोड़ दिया ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, आपको आसानी से समझ आ जाए, इंटरप्रेट हो जाए. अब यहाँ पे हमें पता है कि इंडियन अगर यहाँ पे है तो ये किस टाइम की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया था, उस टाइम की बात की जा रही है. अब फ्रीडम की यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये फ्रीडम जो लिखा है यहाँ पे, ये फ्रीडम किसको डिनोट करता है, ये फ्रीडम डिनोट करता है कि जो इंडियंस हैं उनको अपनी मर्जी से सोचने का अधिकार हो, अपनी मर्जी से बोलने का फ्रीडम हो, अपनी मर्जी से काम करने का फ्रीडम हो, अपनी मर्जी से मूव करने का फ्रीडम हो, क्योंकि वो अगर अपनी कंट्री में रह रहे हैं उन्हें हर तरह के ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रीडम हो. ठीक है, और उसी को हम यहाँ पे मैंने कहा कि इसको हम डिनोट करते हैं फ्रीडम को लिबर्टी और राइट्स की हकूक दिए जाए, राइट्स दिए जाए उनको. उसके बाद स्ट्रगल, तो स्ट्रगल को मोस्टली हम स्ट्रगल को क्या कहते हैं, स्ट्रगल को हम क्या डिनोट करते हैं, स्ट्रगल को हम कहते हैं जो कोई कन्फ्लिक्ट है कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको हम स्ट्रगल डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रगल को क्या डिनोट किया हुआ है, एंडेवर मीन्स कोशिश, तो कोशिश यहाँ पे जो है मैंने इसको डिनोट किया है. और उसके बाद ये जो राइट्स की बात, ये फ्रीडम की बात की जा रही है उसके लिए जो ये स्ट्रगल की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, किस चीज़ के लिए की जा रही है, वो की जा रही है इंडिपेंडेंस के लिए. इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे ये आ गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की पूरी तरह से आज़ादी हमें दी जाए. तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने ब्रेक कर दिया ताकि आप लोगों को अब आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प हो जाए. अब हम स्टार्ट करेंगे पहला हमारा जो स्टेप है, ठीक है, हमारा पहला कदम है वो क्या है, जो रिवॉल्ट 57 आ गया. और ये आपको पता है कि रिवॉल्ट 57 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, कि पहली आज़ादी की जंग. तो पहली आज़ादी की जंग इसका मतलब ये आ गया कि ये रिलेट करता है किससे, यहाँ पे सिंपल क्लियर हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स यहाँ पे ये इस टॉपिक के साथ ऑब्वियस रिलेट करता है कि जो हम ये आज़ादी के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं या एंडेवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो कदम कहाँ से उठाया हमने, वो कदम हमने यहाँ से उठाया, रिवॉल्ट 57 से उठाया. ठीक है, और उसके बाद आ गया यहाँ पे कि इसको हम एक और जो है नाम से हम जान सकते हैं रिवॉल्ट 57 को, स्पार्क फॉर फोर्थकमिंग रेवोल्यूशन, कि ये एक ऐसी चिंगारी थी रिवॉल्ट 57 जो आने वाले एक बहुत बड़े लार्ज स्केल इनकलाब की शुरुआत इसी से हुई. लार्ज स्केल जो है चेंज, लार्ज स्केल चेंज को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, इनकलाब कहते हैं. कि आप देखिए कि 1857 के बाद जब हमें ये अचीव हुआ, हमारा मेन मोटिव हमें अचीव हो गया, तो क्या हुआ कि उससे पहले जो सिस्टम था वो कुछ और था, और जब हमें मेन मोटिव मिल गया, हमें आजादी मिल गई पूरी तरह से, तो एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल चेंज आया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन.
अब मैं ये यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपको थोड़ा हेल्प होगा एक चीज़ समझने में कि 1857 से पहले भी छोटे मोटे लोकलाइज्ड जो है रिवॉल्ट्स जो है होते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सो उनको हमने इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, उनको इस टॉपिक में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, वो आपको हेल्प करेगा कि रिवॉल्ट 1857 से ही क्यों शुरुआत हुई, उससे पहले जो रिवॉल्ट्स होते थे उनकी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है। सपोज कीजिए आपके पास एक मैच बॉक्स है। अब मैच बॉक्स से हम क्या करते हैं, हमने एक तीली निकाली और हमने 5 टाइम्स उसको क्या किया, हमने 5 टाइम्स उसको स्ट्राइक किया, ठीक है। अब 5 टाइम हमने जब स्ट्राइक किया उस तीली को तो कुछ नहीं हुआ, और जब 6 टाइम हमने किया तो उससे क्या हुआ कि स्पार्क निकला और तीली जो है वो जल उठी। अब इसका मतलब है कि जो हमारे 5 एफर्ट्स थे, हमारे जो 5 एंडेवर थी, कोशिश थी, उसके बाद जो है जो 6th हमारी एफर्ट हुई उसमें क्या हुआ, एक स्पार्क निकला और जो है हमारी जो जो तीली है स्लोली स्लोली जो है जल गई। इसका मतलब यह है कि क्या हम जो 6th जो हमारा एफर्ट था वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ, ठीक है, क्योंकि उससे स्पार्क निकला, मगर जो उससे पहले जो 5 हमारे एफर्ट्स थे क्या वो सिग्निफिकेंट नहीं थे? वो भी सिग्निफिकेंट थे, बट उनका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारा हमारा मेन फोकस किसको जाएगा, 6th वाले एफर्ट को, कि 6th वाले एफर्ट में क्या हुआ कि चिंगारी जल पड़ी। आप समझे कि नहीं, कि इसी से आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि इससे पहले जो हुए थे रिवॉल्ट वो क्या थे, वो लोकलाइज्ड थे, वो ज्यादा उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, थे भी नहीं भी थे, उतने ज्यादा नहीं थे कि रिवॉल्ट 1857 जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है उतने ज्यादा नहीं थे। तो ये वही है, ये जो रिवॉल्ट 1857 है ये वही 6th वाला एफर्ट है, ये वही 6th वाला एफर्ट है मैच बॉक्स को जलाने में जिससे स्पार्क निकला, ठीक है। तो अब इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पहला कदम है आज़ादी को हासिल करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा आया यो रिवॉल्ट 1857 जो हमारा स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट 1857 में हम कॉजेज पे आएंगे सीधा सा। कॉजेज में हम देखेंगे इसके, अगर हम कॉजेज की बात करें इसमें इकोनॉमिक कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज है, सोशल कॉजेज है, रिलीजियस कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज है जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट जो है पॉसिबल हुआ। अब इसमें हम एक एक करके जो है अपनी हर एक वीडियोज़ में डिटेल में इनको पढ़ेंगे, एक एक कॉज को हम पढ़ेंगे। अब पहला कॉज यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है पोलिटिकल कॉज से। पोलिटिकल कॉज में क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक पॉलिसी जो है, पॉलिसी को जो है डिवाइस किया, पॉलिसी को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया उस पॉलिसी को। वो बड़ी बहुत बड़ी पॉलिसी थी उनकी, और वो पॉलिसी क्या थी, उस पॉलिसी को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन और एनेक्सेशन। जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन और एनेक्सेशन का मीनिंग यहाँ पे यह आ गया कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि ब्रिटिशर का मेन मोटिव क्या था, ब्रिटिशर का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट। ब्रिटिशर का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब उन्होंने देखा कि जो इंडियन स्टेट्स है, जैसे यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है ये, ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए अंडरस्टैंड होने में, ये जो यहाँ पे जिनमें मैंने क्रॉस और टिक लगाया हुआ है, इसमें ये जो है, ये जो बॉक्सेस है ये क्या है, या आप एप्रीहेंड कर लीजिए कि ये क्या है, ये इंडियन रूलर्स के एरियाज हैं, इंडियन रूलर्स के ये एरियाज हैं जिनके ऊपर वो ट्रेडिशनली और जो है लीगली जो है रूल कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि ब्रिटिशर ने कहा कि डायरेक्टली तो हम इन एरियाज को, इंडियन जो किंगडम्स है या इंडियन के एरियाज है उनको हम डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रूल तो नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए, उन्होंने एक पॉलिसी की, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इस पॉलिसी को कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, उस पॉलिसी को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने मैकेनिज्म अडॉप्ट किए, दो मैकेनिज्म अडॉप्ट किए, एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा था सब्सिडियरी अलायंस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, डॉक्टर ऑफ लैप्स में ये था कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इस डॉक्टर ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग क्या था, इस डॉक्टर ऑफ लैप्स की कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर कोई किंगडम है और अगर कोई किंग है और वो उसके पास जो है कोई लीगल मेल एयर नहीं है, लीगल मेल एयर नहीं है, ठीक है। लीगल मेल एयर का मतलब ये आ गया कि जैसे एक किंग है किसी एरिया में, किंग रह रहा है और जो वारिस है उसका, लीगल का मतलब यहाँ पे आ गया जो वारिस है, वारिस का मतलब यहाँ पे आ गया कि जो उसका खुद का जो है बेटा है, ठीक है, अगर वो नहीं है और उसके बाद वो
वो किंग या वो किंग जो है इनकैपेबल है, या उस किंग में एफिशिएंसी नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है रूल करने के लिए, और जो हमें क्या हो जाता है ब्रिटिशर्स को जो है पूरी तरह से नजर आ जाता है, इजिली अंडरस्टूड हो जाता है। मैनिफेस्टली का मतलब ये आ गया, मैनिफेस्टली मीन्स इविडेंटली, जो हमें इजिली तरीके से समझ आ जाए कि ब्रिटिशर को इजिली तरीके से समझ आ रहा है कि भाई ये जो किंगडम है और उसमें जो रूलर है वो उसमें एफिशिएंसी नहीं है रूल करने की, और उसके पास उसका मेल लीगल जो है वारिस नहीं है, इसीलिए अब क्या किया जाएगा, वो किंगडम क्या कर लिया जाएगा, एनेक्स कर लिया जाएगा, उस किंगडम को क्या कर लिया जाएगा, ऑक्युपाई कर लिया जाएगा, और ऑक्युपाई क्या कर लिया जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में उसको ऐड कर लिया जाएगा। सो दैट वाज द वेरी पर्पस ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ जियो पोलिटिकल एक्सपेंशन और एनेक्सेशन, कि पॉलिटिक्स के थ्रू, पॉलिटिक्स उनकी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कैसे करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, ये डिवाइस इन्होंने लगाया, ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और उससे क्या कर दिया उन्होंने, उस एरिया को जो है ऑक्युपाई कर लिया, और ये एरिया को ऑक्युपाई कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया ऑक्युपाई कर लिया, उसी से क्या हुआ कि वो एक्सपैंड होते गए और एनेक्स करते गए इंडियंस के जो जितने भी एरियाज थे, रूलर्स जो इंडियन रूलर्स के जितने भी किंगडम्स थे उनको एनेक्स करने लगे। सो दिस वाज द पॉलिसी। अब यहां पे मैंने बताया आपको कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसमें ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लीगल क्यों लगा है, लीगल मेल एयर आ गया यहाँ पे, एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है, एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे एयर आएगा, एच साइलेंट रहेगा, यहाँ पे लीगल क्यों लगा हुआ है, लीगल इसलिए लगा है क्योंकि अगर एक बादशाह है उसका खुद का बेटा नहीं है, वो अपनी सिस्टर के बेटे को रख सकता है, ठीक है, अगर हम देखें कि वो वारिस उसको बना लेगा, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो ऐसा नहीं कर सकता, तो लीगल का मतलब है कि उसका खुद का ही बेटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि उसका खुद का बेटा नहीं होगा या उसमें इनएफिशिएंसी होगी, तो इसका एरिया को पाई कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शुरू शुरू में क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है कि उन्होंने एक एरिया को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद बाकी एरियाज में उनको परमिशन नहीं मिलने लगी, इन एरियाज में इंटरफेयर नहीं कर पाए, तो इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने आहिस्ता से आहिस्ता, देखिए लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, सारे इंडियन जो रूलर्स थे उनके टेरिटरीज को ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका है टॉपिक हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें यही है जो इसमें हम स्टार्ट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद, सब्सिडियरी अलायंस, जिसमें हम बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम मैकेनिज्म एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा मैकेनिज्म क्या है, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सो हम कहाँ पे थे, अब एक मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो क्या है, वो है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस भी उसी तरह का एक इन्होंने मैकेनिज्म जो है, मेथड इन्होंने ब्रिटिशर्स ने रखा था, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट हो रहा था, वो बेनिफिट क्या हो रहा था हम पढ़ेंगे। अब सब्सिडी लाइंस क्या था, सब्सिडी लाइंस वेलेस्ली में नेक्स्ट जो है इंट्रोड्यूस किया, जिस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी ने, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या थी, सब्सिडी लाइंस की कंडीशन ये थी कि पहला कंडीशन इसका ये था कि आपको आपके पास मतलब ये कि जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनके पास खुद की अगर आर्मी है उसको वो क्या करेंगे, उसको वो डिस्पोजेस करेंगे, डिस्पोजेस मतलब कि उनको अपनी आर्मी रखने की परमिशन नहीं है, और अगर उनको अपनी आर्मी रखने की ये परमिशन नहीं है तो वो किस तरह से अपने किंगडम को, किस तरह से अपने एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और कभी अगर किसी कन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व होते हैं या इंडल्ज होते हैं कि बाकी किसी किंगडम के साथ, तो कैसे वहाँ पे अपने लोगों को जो है बचाएंगे, कैसे डिफेंस कैसे लेंगे वहाँ पे। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने कहा कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, वॉर के लिए या बाकी फर्दर चीज़ों के लिए अगर आपको आर्मी पर्पजेज़ के लिए आर्मी चाहिए, तो आपको ब्रिटिशर की आर्मी को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रिटिशर की आर्मी को लेना पड़ेगा, और आपको ब्रिटिशर की जब आर्मी दी जाएगी आपने क्या करना है, आपने उस आर्मी को क्या करना है, मेंटेन करना है, और उस आर्मी को क्या करना है, आपने उस आर्मी के लिए आपने पे करना है ब्रिटिशर्स को, ठीक है।
जितने टाइम के लिए आप आर्मी ले रहे हो और उतने टाइम के लिए आर्मी को मेंटेन करना है आपने, ठीक है, और जो भी एक्सपेंस आर्मी के ऊपर आता है, और उसके अलावा आपने क्या करना है, ब्रिटिशर को पे करना है कि ब्रिटिशर ने जो रेंट, एक किस्म का आप समझिए कि रेंट के बेसिस पे जो है इंडियन रूलर्स को आप ब्रिटिशर से आर्मी, ब्रिटिशर आर्मी दी जाएगी, ठीक है, वो चाहे उसके उससे फिर वॉर करे या उससे फिर अपनी जो है बाकी पर्पजेज जो आर्मी से वो ले सकते हैं वो करे, ठीक। अब अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाते, वो आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाते या आर्मी के लिए अनेबल हो जाते हैं उस रेंट को पे करने के लिए, वो क्या कर, तो तब क्या होगा, पेनल्टी क्या लगेगा, पेनल्टी ये लगेगा उस टाइम पे कि उनकी उनका जो एरिया है, उनका जो किंगडम है, वो क्या कर लिया जाएगा, उसको छीन लिया जाएगा, उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, ठीक है। सो इसके मतलब है कि इन दोनों मैकेनिज्म में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, सब्सिडरी लाइंस में क्या है कॉमन, क्या है कॉमन, ये है कि जितने भी कंडीशंस रखी इन्होंने, चाहे वो सब्सिडरी लाइंस की कंडीशंस हो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कंडीशंस को है हो, और कंडीशंस अगर फेल होती है उन कंडीशंस में पेनल्टी कैसे लगेगी, पेनल्टी ऐसे लगेगी कि वो पर्टिकुलर जो है किंगडम जो है वो पर्टिकुलर टेरिटरी क्या क्या कर ली जाएगी, ऑक्यूपाई कर ली जाएगी और ब्रिटिश एम्पायर में उसको एनेक्स कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सोचने वाली बात यहां पे और समझने वाली बात यहां पे ये यह है कि इससे ब्रिटिशर को क्या हो रहा था, इससे ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा जियो, ठीक है, जियो मींस बहुत ज्यादा एरियाज उसके अंडर आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे एरियाज को वो ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है, किसके थ्रू, पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में मींस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर, इनडायरेक्टली, तो वो क्या कर रहा था, वो बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर रहा था, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिकल, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिकल का मतलब यहां पर आ गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी किंगडम में पॉलिटिक्स के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू, वहां उसकी पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, और मोटिव क्या है आपका, मोटिव ये है कि उस एरिया को कैप्चर करना, फिर उस एरिया को कैप्चर कर दिया, नेक्स्ट एरिया टारगेट, फिर उसको कर दिया, फिर फर्दर एरियाज टारगेट, ठीक है। तो इससे आप क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, बढ़ेंगे एरियाज आपके, आपका बहुत बड़ा एम्पायर जो है एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा ही होता था कि जो भी किंग्स होते थे, जो अगर हम बात करें ब्रिटिश से पहले के इरा की बात करें, तो जो भी किंग्स होते थे वो क्या करते थे अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वॉर्स करते थे, और जैसे जैसे वॉर्स करते थे, जिन एरियाज के ऊपर वॉर होती थी, जिस एरियाज के लिए वॉर होती थी, उन एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया जाता था, एनेक्स कर लिया जाता था, उसी से एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक, एक बहुत बड़ा जो है एम्पायर बनता था, ठीक है। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने किया, उसी को हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल, ठीक है। अब इसका मतलब है ये बहुत सारे एरियाज इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, अब ये सारे एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए तो इससे इनको क्या बेनिफिट है भाई, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों किया इन्होंने, व्हाई, ठीक है। उसका एक ही रीजन था कि ब्रिटिशर्स क्यों आए थे यहां पे, ब्रिटिशर एज अ ट्रेडर आए थे, उनका पर्पज क्या था, उनका पर्पज कुछ नहीं था, उनका पर्पज यही था, उनका पर्पज ये अगर ये था कि भाई हमने यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना है, क्यों करना है, वाई, उनका एक ही मोटिव था, वो कोई रूल करने के लिए नहीं आए थे, उनका एक ही मोटिव था कि ट्रेड कर रहे थे वो किसकी, इन चीज़ों की, स्पाइसेस, कार्डमम, कॉटन, इनकी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। वो यहाँ से लेते थे और यूरोप में जाके उनको हाई रेट्स पे बेचते थे। अगर सपोज कीजिए यहाँ से कोई आर्टिकल उन्होंने लिया, कोई आइटम लिया 100 का और यूरोप में जाके उसको 200 का बेच दिया, तो बीच में क्या फॉल करता है, जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी चीज़ को आप सस्ते में खरीदते हैं, एक अच्छे रेट में खरीदते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, तो उसके बाद जाके उससे दुगने दाम में उसको आप बेचते हैं, तो बीच में क्या फॉल करता है, बीच में आपका प्रॉफिट फॉल करता है, ठीक है। तो इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था, क्यों, क्योंकि इन चीज़ों कि यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी और इनका फाइन क्वालिटी सिर्फ इंडिया में ही जो है ज्यादा मैक्सिमम फोन किया जाता था, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा वो क्या करते थे, वो कुछ कमर्शियल और कैश क्रॉप्स को भी उगाते थे, लाइक इंडिगो और ओपियम, ठीक है, इंडिगो और ओपियम को भी वो क्या करते थे, उसको जो है उगाते थे। अब यहां पर यह आ गया कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉज करके जो है आप लोगों को ये थोड़ा ये जो यहाँ पे मैंने बताया टॉपिक, इसमें थोड़ा सा ये ओपियम के ऊपर मैं बताऊंगा आपको, ओपियम एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए ओपियम एक्चुअली क्या है, कि ओपियम क्या है, ये एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं पॉपी प्लांट, ठीक है, और पॉपी प्लांट में क्या किया जाता है, उससे ओपियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ओपियम इज एक्चुअली नोन फॉर इट्स मेडिकल पर्पजेज के लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडिगो, आपको पता है कि जो भी टेक्सटाइल जो है
होता है या कोई कपड़ा होता है तो उसको जो उसका खुद का कलर नहीं होता उसमें जो ऐड करते हैं उसको जो है इंडिगो कहते हैं। ठीक है, अब इनकी भी बहुत डिमांड थी यूरोप में, तो अब ये सब करके ये तो सारी चाहे वो एज अ ट्रेडर थे या कैश क्रॉप्स उगाते थे, तो ये क्या है, ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके लिए हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन चीजों को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, उगाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। ठीक है, किसके लिए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कोई शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, वो कोई सामान बेच रहा है आपको, उससे उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, बेनिफिट आ रहा है उसको, प्रॉफिट आ रहा है उसको, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें ये सब करने से एक्चुअली क्या मिल रहा है उनको, प्रॉफिट। उनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट वाज द मेन मोटिव, प्रॉफिट वाज द मेन मोटिव। ठीक है, अब इसका मतलब है कि प्रॉफिट वाज द मेन मोटिव, और प्रॉफिट ये चीजें करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको परमिशन चाहिए थी इंडियन टेरिटरीज जो थी, और उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। मैंने वही कहा, कहीं मिल रही थी कहीं नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, जब मैक्सिमम एरियाज को उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया, किसके थ्रू, एक मैकेनिज्म हमारा आ गया ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा मैकेनिज्म आ गया सब्सिडी अलायंस, इनके थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, कंडीशंस रखी, और वो फेल फेल हो गए, वो इंडियन रूलर्स उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, तो उससे क्या हुआ कि उनके एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया। जब ऑक्यूपाई कर लिया तो ब्रिटिशर आसानी से ये एक्टिविटीज करने लगे, आसानी से वो चीजों को खरीदने लगे, आसानी से चीजों को ग्रो करने लगे, और आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी बढ़ती गई, और बढ़ने से क्या हुआ कि जितने ज्यादा एरिया होगा उनके अंडर, जितने ज्यादा एरियाज उनके अंडर आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा उनको प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा वो क्या करेंगे चीजों को बेचेंगे, ठीक है, खरीदेंगे यहां पे और सॉरी यूरोप में बेचेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेंगे, क्रॉप्स को उगाएंगे और यूरोप में उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो सारी जो है स्टोरी, तो है क्या स्टोरी जो है, और सारा ये जो स्टोरी, इसकी स्टोरी है, इसका मोटिव, इसके पीछे जो इनकी जो असली कॉन्सपिरेसी किस चीज के लिए थी, किस चीज के लिए ये सब कर रहे थे, उनका रूट कॉज क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए सब कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब है, ये तो हमें समझ आ गया कि इन्होंने ये चीजें क्यों की। ठीक है, और ये चीजें जब इन्होंने की तो प्रॉफिट के लिए की, ये हमें समझ आ गया। बट प्रॉब्लम किसको हुई यहां पे, प्रॉब्लम हुई इंडियन रूलर्स को। इंडियन रूलर्स गॉट डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड का मतलब यहां पे आ गया कि वो उनसे डिससेटिस्फाई हुए, उनसे नाराज हुए कि भाई ये सब वो ऑब्वियस वो तो होना ही है कि ये तो बहुत हार्श उनकी जो थी मैकेनिज्म्स थे, उनकी मेथड्स थे, जिस वो एक किंग, वो रूलर्स जो ट्रेडिशनली हैं, ट्रेडिशनली और लीगली कस्टमरी इतने टाइम से अपने एरियाज के ऊपर रूल कर रहे हैं, बहुत सारे उनको बेनिफिट्स हैं, उनको प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे प्रोगेटिव्स हैं, उनको बेनिफिट्स हैं, उनको राइट्स हैं, सो वो सारे के सारे पावर जो है वो उनसे छीन ली गई, किसके थ्रू, इनके इन चीजों के थ्रू, इन मैकेनिज्म्स के थ्रू। सो उससे क्या हो गया, तो वो क्या खुश होंगे, होते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होते खुश, तो वो क्या होते हैं, ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा नाराज हो गए, किससे, ब्रिटिशर से। तो इसका मतलब है विक्टिम कौन बना यहां पे, इंडियन रूलर्स, विक्टिम कौन बना यहां पे, इंडियन रूलर्स, और इसी की वजह से ये पॉलिटिकल कॉज बना, ये पॉलिटिकल कॉज बना किसके लिए, रिवॉल्ट 1857 के लिए, किसके लिए बना, रिवॉल्ट 1857 के लिए। ठीक है, आई होप कि ये हमारा पॉलिटिकल कॉज आपको थोड़ा सा एप्रीहेंड हो चुका होगा, अंडरस्टैंड हो चुका होगा, और हम नेक्स्ट हमारे जो जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी नेक्स्ट कॉज के लिए। ये पॉलिटिकल कॉज हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है, और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट जो कॉजेज जो हमारे रिवॉल्ट 1857 के रहेंगे, फर्दर जो भी मैंने आपको बताया है, अलग अलग कॉजेज है इसके, इकोनॉमिक कॉजेज है, सोशल कॉजेज है, और रिलीजियस कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज है, वो हम एक एक करके इसमें जो है डिटेल में उसको पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका हो, और सो इसी के साथ ब्लेस यू ऑल एंड सी यू सून, बाय बाय।